आज हम लोग देखेंगे लेजर प्रिंटर का फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, मतलब एक लेजर प्रिंटर कैसे वर्क करता है। हम लोग जब कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से जब प्रिंट आउट देते हैं, प्रिंट आउट देने के बाद वो डेटा कैसे प्रोसेस होके हम लोगों का पेपर में आउटपुट निकलता है, उसका बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं प्रिंटर का फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। तो हम लोग का जो डेटा है, जब हम लोग प्रिंटर में प्रिंट कमांड देते हैं कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में, तो सबसे पहले जो डेटा आता है वो आता है हम लोगों का फॉर्मेटर कार्ड पे। फॉर्मेटर कार्ड में सबसे पहले डेटा इनपुट होता है, उसके बाद कहां पे रहता है, फॉर्मेटर कार्ड के साथ और एक पार्ट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं ईसीयू। ईसीयू मतलब हो जाता है इंजन कंट्रोल यूनिट। ठीक है, इसके बाद लेजर प्रिंटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है लेजर। अब उससे कैसे इमेज बनता है, लेजर प्रिंटर में देखिएगा एक अलग से यूनिट रहता है जिसको हम बोलते हैं लेजर स्कैनिंग यूनिट। इस यूनिट का काम होता है बेसिकली हम लोग जो डेटा भेजते हैं इलेक्ट्रिकल डेटा को लेजर रे में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो यहां पर रहता है हम लोग का लेजर स्कैनर। ठीक है, अब लेजर स्कैनर को ऑपरेट करने के लिए एक रहता है स्कैनिंग मोटर, जो क्या करता है इस लेजर स्कैनर यूनिट को मूव कराता है। ये होता है लेजर मिरर, जिसका बेसिकली काम होता है हम लोगों का जो लेजर रे रहता है उसको रिफ्लेक्ट कराना। ठीक है, लेजर रे कहां से आता है, जैसे लेजर मिरर रहता है, लेजर मिरर में यहां पे क्या होता है लेजर रे गिरता है। ये लेजर रे इसके बाद कहां पे चल जाता है, यहां पे एक लेंस रहता है। ठीक है, यहां से स्कैनिंग मिरर से जो रे निकलता है यहां पे ये हो जाता है एक लेंस। ठीक है, ये लेंस से रे निकल के आ जाता है हम लोगों का कार्ट्रिज पोर्शन में। कार्ट्रिज पोर्शन में कहां पे आता है, यहां पे हम लोग जिसको बोलते हैं ओपीसी ड्रम। ठीक है, ओपीसी ड्रम में ये लेजर रे आता है और यहां पे एक रहता है बीडी सेंसर। ये बीडी सेंसर क्या काम करता है, बीडी सेंसर का काम होता है यहां से जो लेजर रे आउटपुट हो रहा है उसको सेंस करना, यानी कि मेरा लेजर सेक्शन सही से काम कर रहा है या नहीं उसको देखना होता है, इसका बेसिकली मेन काम। ठीक है, ये ओपीसी ड्रम का बगल में क्या रहता है, यहां पे रहता है पीसीआर रोलर। ठीक है, और यहां पे रहता है हम लोगों का आईटीआर, मतलब इमेज ट्रांसफर रोलर। ठीक है, ये जो पार्ट हो जा रहा है ये हम लोगों का इमेज फॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट हो रहा है। तो लेजर रे यहां से निकल के लेंस से होके हम लोगों का आता है ओपीसी ड्रम में। ठीक है, उसके बाद यहां पे हम लोगों का रहता है पिकअप यूनिट। यानी इस सेक्शन में रहता है सेपरेटिंग पैड एंड पिकअप रोलर, जो क्या काम करता है, जिसका बेसिकली काम होता है पेपर को पिकअप करना। ठीक है, तो जब यहां से हम लोग का फॉर्मेटर कार्ड में इंफॉर्मेशन आता है तो वहां से एक सिग्नल चल जाता है हम लोग का लेजर मिरर में, उसके बाद ईसीयू से एक सिग्नल चल जाएगा हम लोग के यहाँ पे पिकअप यूनिट पे, किस टाइम पे पेपर को पिकअप करना है। और ईसीयू के साथ कनेक्टेड क्या रहेगा, ये हम लोगों का इमेज फॉर्मेशन सिस्टम का। ठीक है, ये इमेज फॉर्मेशन सिस्टम क्या काम कर रहा है उसका बारे में इंफॉर्मेशन बोर्ड के पास रहना। और यहां पे हम लोगों का रहता है डेवलपिंग यूनिट। डेवलपिंग यूनिट क्या करता है, इसका काम होता है ओपीसी ड्रम में इमेज को डेवलप करना। ठीक है, तो फिर पिकअप यूनिट से जैसे पेपर पिकअप हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा हम लोगों का ट्रांसफर यूनिट। ये क्या करेगा, ओपीसी ड्रम में जो इमेज बनता है उसको पेपर में ट्रांसफर करता है। उसके बाद हम लोगों का यहां पर रहेगा फ्यूजर यूनिट, जिसका बेसिकली काम रहता है क्या कि पेपर में जो हम लोगों का इमेज बनता है उसको पेस्टिंग करना।
उसके बाद पेपर यहां से निकल के हम लोगों का चल जाता है आउटपुट ट्रे में, और यहां पे हम लोगों का रहता है पेपर ट्रे, इनपुट पेपर ट्रे। ठीक है, ये जो लेजर वाला यूनिट है इसको हम लोग बोलते हैं लेजर स्कैनर यूनिट। ये लेजर स्कैनर यूनिट मतलब वो यूनिट क्यों हो गया, जैसे हम लोग कोई डॉक्यूमेंट्स को अगर स्कैन करते हैं वो स्कैनर यूनिट नहीं है, इसको जहां से हम लोग का लेजर रे डेवलप होता है उस यूनिट का नाम होता है लेजर स्कैनर यूनिट। ठीक है, तो हम लोग अगर स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि इमेज फॉर्मेशन से पहले कैसे हम लोग का प्रिंटर का फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम बनता है। जैसे हम लोग सबसे पहले यहाँ से हम लोग का डेटा इनपुट होता है फॉर्मेटर कार्ड में, जैसे हम प्रिंट कमांड देते हैं तो सबसे पहले फॉर्मेटर कार्ड में इंफॉर्मेशन जाता है। जैसे फॉर्मेटर कार्ड में इंफॉर्मेशन जाएगा, फॉर्मेटर कार्ड क्या करता है इश्यू को इंफॉर्मेशन भेजता है, साथ ही साथ में फॉर्मेटर कार्ड में जो भी इंफॉर्मेशन आता है वो क्या करता है हम लोग का लेजर स्कैनर यूनिट को सेंड करता है, ताकि लेजर स्कैनर यूनिट क्या कर सके इसी इलेक्ट्रिकल डेटा को लेजर के रूप में उसको रूपांतरित कर सके। उसके बाद हम लोग का ईसीयू सेक्शन में पावर जाता सिग्नल जाता है, ताकि ईसीयू सेक्शन क्या करे बाकी हम लोग का जो पिकअप सेक्शन है एंड इमेज इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये सारा यूनिट में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके इस सेक्शन को एक्टिव कराना होता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पे लेजर के थ्रू इमेज डेवलप होता है। तो क्या रहता है यहाँ पे इमेज के लिए एक मोटर रहता है और एक यहाँ पे एक लेजर का मिरर रहता है। क्या होता है इस ये मिरर हम लोगों का ऐसे स्क्वायर में रहता है। ठीक है, तो क्या होता है ऐसा एंगल में हम लोगों का यहाँ पे लेजर रे गिरेगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर ये आगे जाकर लेंस पे गिरता है। तो ये क्या करता है लेफ्ट टू राइट लेजर रे मूव करता है, ये जैसे जैसे रोटेट होगा इसको रोटेट कराने के लिए यहाँ पे एक मोटर रहता है जिसको हम बोलते हैं स्कैनर मोटर, वो क्या करेगा इस लेजर मिरर को रोटेट कराता रहेगा। ये जैसे जैसे रोटेट होगा, रोटेट होने के बाद यहाँ से रे निकल के जो लेंस रहता है ये लेंस पे गिरेगा, क्योंकि ये जो पोर्शन रहता है ना मिरर काफी छोटा पोर्शन में रहता है, तो फिर उसको एक्सपैंड करने के लिए यहाँ पे लेंस का यूज किया जाता है। इस लेंस से जो लेजर रे निकलता है वो निकलने के बाद हम लोग इमेज फॉर्मेशन सिस्टम में आता है। इस रे यहां से निकल के सीधा गिरता है हम लोगों का ओपीसी ड्रम में। ठीक है, जैसे ड्रम पे ये रे गिरेगा तो ईसीयू से सिग्नल जाता है कि इस ड्रम को हम लोग को रोटेट कराना होगा। ये जो हम लोग पार्ट देख रहे हैं इमेज फॉर्मेशन सिस्टम, ये टोटली हम लोग का हो जाता है कार्ट्रिज पार्ट में। आगे जाके हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे कि कैसे हम लोगों का कार्ट्रिज में प्रिंट बनता है। ठीक है, ईसीयू के साथ साथ यहाँ पे इंफॉर्मेशन चल गया, उसके बाद एक पेपर पिकअप यूनिट के पास भी इंफॉर्मेशन जाता है, क्योंकि उसको पेपर पिकअप करना पड़ता है। तो जैसे पिकअप यूनिट के पास इंफॉर्मेशन जाता है तो वो क्या करता है हम लोग का जो इनपुट ट्रे रहता है उस ट्रे से पेपर को इनपुट करता है। इनपुट कराने के बाद वो पेपर को आगे कार्ट्रिज के अंदर से पास करता है। तो यहाँ पे क्या रहता है कि ओपीसी ड्रम और आईटीआर का बीच से ये पेपर पास होता है, कार्ट्रिज हो गया ये वाला पार्ट, हम लोग कार्ट्रिज का पार्ट, आईटीआर हम लोगों का प्रिंटर में रहता है। तो यहाँ से जैसे पेपर पास होगा तो यहाँ पे क्या होगा ओपीसी ड्रम में जो इमेज बनता है उस इमेज को पेपर में ट्रांसफर यहाँ पे होता है। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का फ्यूजर सेक्शन में पेपर को पास कराना पड़ता है, ताकि जो लेजर टोनर जो पेपर पे गिरा है वो क्या है बेसिकली पाउडर का फॉर्म में रहता है, अगर उसको पेस्टिंग नहीं करेंगे तो जैसे पेपर निकलेगा उसको हम हाथ से रब करेंगे तो सारा इंक मिट जाएगा। तो इसीलिए क्या रहता है यहाँ पे फ्यूजर यूनिट रहता है, फ्यूजर यूनिट में पेपर का इंक का पेस्टिंग किया जाता है, उसके बाद यहाँ से निकल के आउटपुट ट्रे में पेपर आउटपुट हो जाता है। ठीक है, ये था हम लोग एक फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। अब हम लोग देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन सिस्टम में कैसे ये सारा प्रिंट बनता है। ठीक है, तो कार्ट्रिज में कैसे प्रिंट बनता है ये सारे चीज के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन सिस्टम मतलब क्या होता है कि कैसे कार्ट्रिज में इमेज डेवलप होता है उसका बारे में अभी हम लोग देखेंगे।
ठीक है। कार्टेज में हम लोग का क्या क्या पार्ट रहता है, पीसीआर रोलर रहता है, ओपीसी ड्रम रहता है, मैग्नेट रोलर रहता है, टोनर रहता है, क्लीनिंग ब्लेड रहता है, डॉक्टर ब्लेड रहता है, ये सारा चीज लेके हम लोगों का कार्ट्रिज बनता है। तब हम लोग देखेंगे कि कार्ट्रिज में किस सेक्शन में कितना वोल्टेज का जरूरत पड़ता है, कैसे इमेज बनता है, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग पीसीआर रोलर, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है प्राइमरी चार्जिंग रोलर। यहाँ पे कितना वोल्टेज आता है, यहाँ पे -600 to -1.2 kV का वोल्टेज आता है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज आता है। उसके बाद यहाँ पे रहता है ओपीसी ड्रम, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है ऑर्गेनिक फोटो कॉन्डक्टिव ड्रम। यहाँ पे कितना वोल्टेज आता है, यहाँ पे 1000 वोल्टेज आता है, ठीक है। इसके बाद कौन सा पार्ट रह जाता है, यहाँ पे हम लोगों का मैग्नेट रोलर रहता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि पीसीआर में हम लोगों का नेगेटिव चार्ज रहता है और ओपीसी ड्रम में पॉजिटिव चार्जेस रहता है। ठीक है, और इस जगह में रहता है हम लोगों का आईटीआर। आईटीआर में कितना वोल्टेज रहता है, यहां पे 3000 वोल्टेज रहता है। ठीक है, तो ये आईटीआर वाला पार्ट हम लोगों का प्रिंटर में रहता है, पीसीआर रोलर, ओपीसी ड्रम, मैग्नेट रोलर, ये रहता है हम लोगों का कार्ट्रिज में। यहां पे रहता है मैग्नेट रोलर के इस जगह में डॉक्टर ब्लेड रहता है। और ये हो जाता है टोनर का पॉइंट, जहां से हम लोग टोनर को फिल करते हैं, ये एरिया में हम लोग का टोनर भरा हुआ रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं डॉक्टर ब्लेड। ठीक है, और यहां पे हम लोग का रहता है वाइपिंग ब्लेड, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं क्लीनिंग ब्लेड। यहाँ पे वेस्टेज जो टोनर रहता है वो यहाँ पे पड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तब हम लोग यहां से ये प्रोसेस को देखते हैं कि कैसे इमेज फॉर्म होता है। ये पीसीआर रोलर जो रहता है, फर्स्ट इसमें नेगेटिव वोल्टेज आता है, उसके बाद देखिए ओपीसी ड्रम में क्या है, पॉजिटिव वोल्टेज आता है। ठीक है, लेकिन इस पीसीआर रोलर का काम होता है इस ओपीसी ड्रम के ऊपर में जो पॉजिटिव वोल्टेज है उस वोल्टेज के ऊपर में एक नेगेटिव चार्ज को क्रिएट करना। तो पीसीआर रोलर में जो भी नेगेटिव चार्ज है वो क्या होता है, ओपीसी ड्रम के ऊपर में आके गिरता है। ठीक है, तो ओपीसी ड्रम के ऊपर में सबसे ऊपर वाला लेयर में यहाँ पे रहेगा पॉजिटिव, उसके ऊपर वाला लेयर पे रहता है नेगेटिव चार्ज। जैसे हम लोग प्रिंट कमांड देते हैं तो जो लेजर रे जब इस ओपीसी ड्रम में गिरता है तो लेजर रे क्या करता है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज रहता है जिस पिक्सल में उनको क्या करना रहता है कि इमेज बनाना रहता है, उस पिक्सल पे जो नेगेटिव चार्ज बनता है उस नेगेटिव चार्ज को रिमूव कर देता है। तो जैसे यहां से ये नेगेटिव चार्ज को रिमूव कर देगा, मान लेते हैं कि इस जगह से नेगेटिव चार्ज को रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज पड़ा रहेगा, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पड़ा रहेगा। अब यहाँ पे मैग्नेट रोलर में क्या होता है, हम लोगों को पता है कि मैग्नेट रोलर में ये टोनर वाला कंटेनर पार्ट में जो भी टोनर रहता है वो मैग्नेट रोलर पे जमा हुआ रहता है, और यहाँ पे जो डॉक्टर ब्लेड रहता है वो क्या करता है, 1.5 माइक्रोन का जो लेयर रहता है मैग्नेट रोलर के ऊपर में टोनर का, उसको मेंटेन करना डॉक्टर ब्लेड का काम होता है। तो यहाँ पे जो भी टोनर मैग्नेट रोलर का बदन में सटा रहता है वो टोनर क्या करता है कि जो पार्ट में पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करता है, उस टोनर को अपने अंदर में खींच लेता है। तो इसी तरह से क्या होता है कि हम लोग ओपीसी ड्रम में पहले लेजर रे के थ्रू में यहाँ से नेगेटिव चार्ज को हटाया जाता है, और जिस जगह में पॉजिटिव चार्ज रहता है वो क्या करता है, मैग्नेट रोलर के साथ में जो हम लोग का टोनर रहता है उसको अपने अंदर में इमेज पहले ओपीसी ड्रम में बन जाता है। तो क्या रहता है, ड्रम भी हमारा घूमते रहता है। उसके बाद जब यहाँ पे ओपीसी ड्रम में इमेज हम लोग का बन जाता है, उसके बाद जब पेपर नीचे आ जाता है, ये जो आईटीआर ओपीसी ड्रम का बीच का लोकेशन है,
इस लोकेशन से पेपर पास होता है। अब देखिए ओपीसी ड्रम में कितना वोल्टेज है, 1000 वोल्टेज है, और लेकिन हम लोग आईटीआई का पास कितना वोल्टेज है, 3000 वोल्टेज है। जैसे कि इसका वोल्टेज ज्यादा है तो इसमें जो भी टोनर शटर रहता है वो अपने आप में आईटीआर की तरफ में आना चाहता है, क्योंकि आईटीआर के पास ज्यादा वोल्टेज है। और जबकि आईटीआर और ओपीसी ड्रम के बीच में पेपर रहता है तो वो क्या रहता है, इमेज आके पेपर में डेवलप हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, देखिए वापस से इधर से घूम के यहाँ पे हम लोगों का फ्यूजर सेक्शन रहता है, जिसका एक साइड में रहता है हम लोगों का रोलर, प्रेशर रोलर, और एक साइड में रहता है हीटर। ये दोनों के बीच से जब पेपर पास होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मेन पेस्टिंग वाला काम यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो क्लीनिंग ब्लेड रहेगा इसका काम क्या रहेगा, इस क्लीनिंग ब्लेड का काम रहता है ओपीसी ड्रम में जो भी एक्सेस टोनर रहता है उस टोनर को ड्रम से वाइप करना होता है, इसका काम। इसीलिए इसका नाम क्लीनिंग ब्लेड या फिर वाइपर ब्लेड भी बोला जाता है। और टोनर में देखिएगा एक वेस्टेज पार्ट रहता है, उस पार्ट के सामने में ये यहाँ पे वाइपर ब्लेड रहता है, वो क्या करता है एक्सेस जो टोनर रहता है उसको यहाँ पे कलेक्ट करके स्टोर कर देता है, जो कि वेस्टेज हो जाता है। उसके बाद वापस से फिर से पीसीआर रोलर के पास जाता है ड्रम घूमने के बाद, तो फिर से वहां पे ये प्रोसेस बार बार रिपीट होते रहता है। ये था हम लोग का इमेज फॉर्मेशन का सिस्टम, आगे फिर हम लोग नया टॉपिक के बारे में देखेंगे।